पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुली भाइयों से मिलने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां सभी कुलियों ने अपनी अपनी समस्या राहुल को बताते हुए कम मेहताना मिलने की शिकायत की और कहा कि उन्हें 40 किलोग्राम सामान की ढुलाई के लिए महज 100 रुपए मिलते हैं, जो कि काफी कम है। अब इसके बाद सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कुलियों का मेहताना 40 किलोग्राम सामान की ढुलाई 100 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया गया। सरकार के इस कदम के बाद माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा राहुल गांधी से कुलियों की हालिया मुलाकात के बाद किया है, लेकिन अब इस तरह की खबर पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को चैलेंज कर दिया। अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। एक सर्कुलर शेयर करते हुए मालविया ने लिखा है कि सरकार हर 2 साल में कुलियों को मिलने वाला मेहताना रिवाइज करती है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों की मजदूरी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने मजदूरी में 40% की बढ़ोतरी की है। जहां पहले 100 रुपए मिलते थे 40 किलो की ढुलाई पर, उसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया है। कुलियों का मेहनताना बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने खुशी जताई है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय रेलवे और सरकार ने मेरे कुली भाइयों की आवाज़ सुनी, ये देखकर अच्छा लगा है। इसके अलावा राहुल ने इस ट्वीट में कई तस्वीरें भी उस दौरान की शेयर करी है, जब वो कुलियों से मिलने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए थे। बहरहाल आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर मैनेजर रविंद्रप्रीत कौर ने दिल्ली डिवीजन के सभी स्टेशन को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशन पर कार्यात लाइसेंस वाले कुलियों के मेहनताने को बढ़ा दिया गया है। इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए ताकि सभी कुलियों और यात्रियों को इसकी जानकारी मिल सके। सभी स्टेशन पर नए रेट की सूची के बोर्ड भी लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो जब वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तो राहुल ने कुली की लाल यूनिफॉर्म भी पहनी थी, साथ ही उन्होंने बैज भी लगाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने सिर पर बैग भी ढोया था। राहुल ने इसके बाद कुलियों से बातचीत की। इस दौरान कुलियों ने राहुल को बताया था कि उनका कई सालों से मेहनताना नहीं बढ़ा है और साथ ही साथ उन्होंने वर्दी नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया था। हालांकि अब देखा जाए तो राहुल की ये मुहिम रंग लाई है और कुलियों का पैसा सरकार ने बढ़ा दिया है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।